नमस्कार, ये मामला है बार अनुमंडल शहरी क्षेत्र का, जहां राष्ट्रीय उपराजमार्ग पथ संख्या 30A के निर्माण के लिए सरकार के द्वारा 8 वर्ष पूर्व जमीन को अधिग्रहित किया गया था। वहीं शहरी निवासी जितेंद्र कुमार जी का ये आरोप है कि 8 वर्ष पूर्व अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा अभी तक उन्हें नहीं मिला है। NHAI के द्वारा सरकारी कार्यों को देखते हुए 80% NH का निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है, परंतु 8 वर्ष से ये अपने मुआवजे के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अतः मुआवजे ना मिलने के कारण और मुआवजे के रकम में देरी होने के कारण जितेंद्र कुमार जी ने बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने से पहले सरकार से ये अपील की है कि उनके मुआवजे की रकम अदा की जाए, फिर कार्य को सुचारू रूप से प्रारंभ किया जाए। मामला इधर की भुगतान नहीं हुआ है। अब मोंटो कार्लो के जो कंपनी और NHAI के जो है सर लोग चाह रहे हैं किसी तरह से काम जो है करवा लें। अभी हमको एक चमन्नी भी नहीं मिला और ये लोग जो है बिना लिखित से हमसे कह रहे हैं कि आप काम होने दीजिए। जबकि देख लीजिए सर कि 80% काम जो है सर हम यहाँ होने दिए हैं, मात्र जो है इसको अब जोड़ना है सर। और जैसा कि जो है अभी तक आपको भी दिखाई दे रहा है कि मात्र 10% 15% काम बचा हुआ है सर। इसी को लेकर हमारे राजेश सर आए हैं, बार से हैं, बोल रहे हैं कि हम जो है आपके काम होने दीजिए, हम जो है आपका मदद करेंगे, आपका जितना चीज़ है डिमांड हम पूरा करवा देंगे। अब आप राजेश सर से बात कीजिए, राजेश सर से मिलिए, राजेश सर का क्या कहना है, परियोजना पदाधिकारी है उनसे बात कीजिए, वो क्या कहते हैं देख लीजिए। मीडिया से है, कौन सा मीडिया? जी NBP से। अभी प्रोजेक्ट चल रहा था, इसमें कुछ समस्या है जो मुआवजा को लेके जी, उसके लिए जो भी रिपोर्ट इन लोगों का NHAI का हम लोग का अनुशंसा सब चीज़ को कार्यप्रक्रम के उचित कार्य के लिए भेजे हुए हैं। मामला कोर्ट में भी है, लेकिन एक मानवीय संवेदना को देखते हुए और आपसी सहमति बना के इनके अंदर पूरा सहयोग भी दिया जा रहा है। काम में रोक में बाधक नहीं है, काम में सपोर्ट भी करते हैं इनके बिहार प्याज भी उन लोग आज काम करने के लिए आगे हम लोग मांगे हुए हैं। इस पर एग्री भी इनका डिमांड जायज़ है कि सर मुझे मुआवजा दिया जाए, इसके उचित फॉरम पर हम साथ खड़े हैं। हम